हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है 1^4 / 1^3 डिवाइडेड बाई 2^4 / 2^3 प्लस 3^4 / 3^3 एंड सो ऑन। ये दे रखा है 10n प्लस के 4 डिवाइडेड बाई 3n। ओके, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, क्लियर है ना। आप इस चीज़ को जानते हो कि जिसके अंदर डायरेक्टली एन वाई स्टेप दिया हुआ होता है तो उसका मतलब निकलता है कि यू एन गिवन है। तो मेरे को गिवन है, गिवन दैट यू एन इज इक्वल टू कितना है भाई, यू एन है मेरे पास 10n + 4/n³। क्लियर है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से मैंने इसके अंदर से ऊपर से 10n कॉमन ले लिया, ये मेरे पास बचा 10 + 4/n / n³। एक पावर से पावर कट कर दी, मेरे पास निकल करके आया 1/n² तो अलग हुआ, और यहाँ बचा मेरे पास गुणा में 10 + 4/n। मैंने यहाँ से vn सेलेक्ट किया, टेकिंग vn = 1/n². ओके, और इसकी डायरेक्ट कंपेयर की मैंने, कंपेयरिंग बाई 1/n³ है। ओके, तो यहाँ से निकल करके आया 1/n² की कंपेयर कर रहा हूँ, 1/n³ है, n से n कैंसिल, p = कितना निकल करके आया 2। ओके, अब कंपेरिजन टेस्ट लगाऊंगा। नाउ मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn की, un की वैल्यू है मेरे पास 1/n² 10 + 4/n / vn की वैल्यू कितनी है 1/n², ये इससे कैंसिल, बराबर कितना निकला, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, 10 + 4/n, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 निकल गया है, तो ये तो 0 हो चुका, बराबर कितना निकला 10। 10 कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। नाउ बाई कंपेरिजन टेस्ट से क्या होता है, अगर p > 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर p < 1 है तो डाइवर्जेंट है। बस आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट इस केस में क्या निकला, सो दैट p = कितना है 2, बोले तो > 1 है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। फाइनली क्या निकला, सो दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर, दिस इज योर आंसर। डाउट होगा आई विल हेल्प यू। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।